अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है मेरा छोटा सा फैंसी बर्ड्स फार्मिंग का सेटअप। ये कुछ फैंसी बर्ड्स हैं जो मैंने घर पे ही रखे हुए हैं। अपने घर में ही मैंने छोटा सा एक जो है ना वो केज का सेटअप बनाया है, जिसमें येलो जैकोबिन, वाइट जैकोबिन, कुछ पोटर हैं, ब्लैक जैकोबिन है मेरे पास, वाइट एक का एक पेयर ये है। इसके अलावा मैंने ये किया है कि इस एक साइड पर मैंने फोस्टर्स के लिए बॉक्सेस बना दिए हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फोस्टर का सेटअप है जिसमें कासिद कबूतर होते हैं, कुछ हाई फ्लायर्स होते हैं वो शामिल हैं। आप देख रहे होंगे बीच में फैंसी के भी जो है ना वो जिस तरह पोटर और जैकोबिन वाइट शामिल हैं। ये इस वजह से वहाँ पे हैं कि ये पले वहीं पे हैं। मैं करता इस तरह हूँ कि जिस तरह ये फैंसी बर्ड है, इसने भी ये एग दिया हुआ है, ठीक है। ये जब दोनों एग्स पूरे होंगे मैं उठा के फोस्टर्स में देखूंगा, अगर किसी ने अंडे दिए हुए हैं तो ये उनके साथ उठा के वहाँ से वो अंडे उठा के फेंक दूंगा और ये वाले अंडे वहाँ रख दूंगा। तो फोस्टर्स ये पालेंगे, इसका फ़ायदा ये रहेगा हर 15 दिन के बाद मेरे पास दोबारा से अंडे इनके अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे मैं जल्दी इनकी प्रोडक्शन कर सकता हूँ, प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ। लाजमी नहीं है कि जो है ना मैं वहीं पर पलवाऊँ। फोस्टर्स ये जिस तरह जैकोबिन है, सॉरी ये पोटर है, ठीक है, इसी तरह ये पोटर की चिक्स मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं कभी यहाँ भी पलवा लेता हूँ। लेकिन जैकोबिन जो मेरे पास हैं उनके एग ज़्यादातर मैं बदला कर दूसरी तरफ से उनके चिक्स निकलवाता हूँ। इसलिए प्रॉफिटेबल बिज़नेस किस तरह है कि जो पॉटर के चिक्स हैं जो 2-3 कली के होते हैं, ये पेयर आपके पास 5 से 6 हज़ार में सेल हो जाता है, जबकि जो जैकोबिन के चिक्स हैं क्वालिटी डिपेंडेंट होती है। अगर तो सिंगल हुड में है, छोटे हुड में है, तो उनकी प्राइस कम होती है, ठीक है। और अगर जो है ना वो अच्छे हुड में है, डबल हुड में या उससे बेहतर क्वालिटी में है, तो उसकी प्राइस ऑफ कोर्स ही बात उससे ज़्यादा होगी। अब ये मेरे पास जो है ना वो टॉप क्वालिटी का एक पेयर मौजूद है जो कि दुबई की इंपोर्टेड ब्रीड है। इसी तरह ये वाइट में एक अच्छी क्वालिटी में मेरे पास मौजूद है पेयर बनाने के लिए, इसको मैंने यहाँ पर बंद किया होगा। तो इस तरह के जो पेयर्स होते हैं इनके जो चिक्स जाते हैं जैकोबिन के, ये तकरीबन जो है ना वो 10 से 12 हज़ार की रेंज में इनके चिक्स सेल हो जाते हैं। अगर क्वालिटी कम हो तो फिर जो है ना वो 8-9 हज़ार तक भी जा सकते हैं, और अगर अच्छे हैं तो वो आपके 15 हज़ार के भी जा सकते हैं। तो इस तरह ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस फैंसी बर्ड्स फार्मिंग का, जो कि घर से आप स्टार्ट ले सकते हैं। मैंने भी घर में ही सेटअप बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं आपको कम्प्लीट इसका एरिया दिखा देता हूँ, कितना है मेरे पास। इतने से एरिए में मैंने ये कंप्लीट सेटअप स्टार्ट किया हुआ है। ये एरिया मैंने फैंसीज के लिए रखा हुआ है, ठीक है, और जबकि ये वाला जो एरिया है ये मैंने फोस्टर्स के लिए रखा हुआ है। फोस्टर्स के भी जो चिक्स निकलते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं मेरे पास, वो भी 800 रुपये 1000 रुपये पेयर में मैं सेल कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, कोशिश करें आप भी सेटअप स्टार्ट करने की। छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो है ना वो मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड करके इसमें अच्छे प्रॉफिट्स कमाए जा सकते हैं।